स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चैनपुर में युवा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। चैनपुर जिला परिषद सदस्य शैलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में डॉक्टर जेएमसी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए अविनाश देव ने कहा कि पलामू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यदि उचित मार्गदर्शन मिले तो पलामू के बच्चे राज्य और देश स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य शैलेंद्र कुमार शैलू ने बच्चों को उचित संसाधन मुहैया कराने का भरोसा जताया। दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सुशील पासवान और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दिलीप प्रजापति समेत तृतीय स्थान लाने वाले अक्षय उरांव को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पलामू में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ संसाधन की और उचित प्लेटफार्म की। यहां हर एक सेक्टर में खिलाड़ी मौजूद है, या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, हर क्षेत्र में खिलाड़ी पलामू में है और काफ़ी मात्रा में है। लेकिन एक यहाँ अच्छा अदद स्टेडियम नहीं है, प्रखंड में स्टेडियम नहीं है, पंचायत स्तर पर स्टेडियम नहीं है। यहाँ से कई माननीय लोग को लोग विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किए हैं, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को जो प्लेटफार्म मिलना चाहिए, जो संसाधन मिलना चाहिए, वो मौजूद नहीं हो पा रहा है। इसी के देखते हुए हम लोगों ने बच्चों के लिए 15 अगस्त के शुभ अवसर पर युवा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों का हौसले बुलंद है, बस हमको कमी, हम लोग को दुख होता है कि हम भी एक प्रतिनिधि हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्लेटफार्म या संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारे जो वर्तमान के प्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह और निवेदन और प्रार्थना होगा कि हमारे पलामू के गरीब सुदूरवर्ती इलाके के जो खिलाड़ी हैं उनको उचित संसाधन और उचित प्लेटफार्म मिले, ताकि वो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उपस्थिति दर्ज करा सके और इस जिले का नाम रोशन कर सके।